पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यह है श्री रामलीला महासंगठन। मुरादाबाद में ऐसी संस्थाएं जो मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश या देश भर में विभिन्न मंचों पर जाकर के रामलीला का मंचन करती हैं। रामलीला मंचन करने वाली ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जोड़ करके ये महासंगठन बनाया गया है। इस महासंगठन में वो संस्थाएं मिलकर के कैसे हम कलाकारों की बेहतरी के लिए काम करें, कैसे संस्कृति के लिए काम करो, हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, इन्हें कैसे और सुदृढ़ किया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर के श्री रामलीला महासंगठन का गठन किया गया था। अप्रैल में इस संगठन का गठन किया गया। एक दो कार्यक्रम छोटे छोटे हुए, लेकिन आज जो ये कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था, रामायण मेला। इस रामायण मेला में छोटे बच्चों में संस्कार देने के लिए भगवान राम को समर्पित ही पूरा विश्व है, और भगवान राम को लेकर के आज जो पूरे विश्व में एक आह्लाद है, एक उत्साह है, एक उमंग है, उसको लेकर के छोटे बच्चों का जो उत्साह था, उसे देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया रामायण मेला। इसमें चौपाई गायन प्रतियोगिता और सीय राम लखन रूप सज्जा प्रतियोगिता, यानी कि विद्यालयों के बच्चे सीता, लक्ष्मण या भगवान राम के रूप में, केवल तीन रूप रखे थे इस बार, उनके रूप में यहाँ आएंगे। चार आयु वर्ग में ये प्रतियोगिता है। सबसे कम आयु वर्ग को हमने शत्रुघ्न वर्ग, उससे ज़्यादा आयु वर्ग को हमने लक्ष्मण वर्ग, उससे अधिक आयु वर्ग को हमने भरत वर्ग और फिर राम वर्ग। ऐसे चार आयु वर्गों में ये प्रतियोगिता यहाँ हो रही है। हमारी उम्मीद थी 50 से लेकर 60-70 प्रतिभागी यहाँ रहेंगे, लेकिन हमारी अपेक्षाओं के विपरीत, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि लगभग 250 से लेकर 300 संख्या में प्रतिभागी रहने वाले हैं। बड़ा आनंद है, बड़े आनंद का उत्सव है, और ये छोटे छोटे बच्चे जो सुंदर भगवान का रूप लेकर के आ रहे हैं और चौपाइयाँ गा रहे हैं, वास्तव में हृदय तृप्त हो रहा है। जिसे कहते हैं ना, आत्मा को आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही कार्यक्रम आज यहाँ हमारे पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जय श्री राम। आज का यह प्रोग्राम सज्जा में भी था और चौपाई में, और ये बड़ा सुंदर आयोजन है। अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर बहुत ही उत्कृष्ट है। और आज छोटे छोटे बच्चे, 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में आए हुए हैं। देखने लायक प्रोग्राम है, आकर्षक प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम अपनी भारतीय संस्कृति। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।